दिल्ली के अमन विहार थाना इलाके में वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद चोरों का आतंक बरकरार। किराड़ी के प्रतिष्ठित लाल मंदिर को चोरों ने बनाया अपना निशाना। चोरों ने मंदिर में रखे सभी कीमती सामान पर किया हाथ साफ। यहां तक कि चोरों ने हनुमान जी की गदा, भोले बाबा के गले में विराजे शेषनाग और लड्डू गोपाल की मूर्ति को भी नहीं छोड़ा। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में भले ही बढ़ते कोरोना के मामले को देखते हुए वीकेंड कर्फ्यू का दौर जारी है, लेकिन इस दौरान भी बदमाशों की पोबारा हो गई है। जहां एक ओर सभी लोग घरों में कैद हैं, वहीं दूसरी ओर इस वीकेंड कर्फ्यू में भी बदमाश बेखौफ होकर चोरी और झपटमारी जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। एक ऐसा ही मामला दिल्ली के रोहिणी जिला अंतर्गत अमन विहार थाना क्षेत्र में सामने आया है, जहां बेखौफ बदमाशों ने एक मंदिर को निशाना बनाया और वहां रखे कीमती सामान लेकर 9:00–11:00 हो गया। उस पर तुर्रा यह कि चोरों ने मंदिर में भगवान को भी नहीं छोड़ा और करीब 2.5 किलो के धातु की बनी लड्डू गोपाल की मूर्ति भी ले उड़े। जो बता रहे थे जो लाख करीब के सामान होंगे, करीब चांदी मुकुट, पीतल का गदा, 2 गदा थे। उसके बाद गोपाल जी 2.5 किलो के थे, जैसे तांबे का नाग थे। इस सब मिला करके अभी करके घड़ी घंटा थे, बर्तन सब लगा करके लाख करीब का सामान जो है जो मंदिर से चोरी किया हुआ है। दरअसल यह पूरा मामला अमन विहार थाना अंतर्गत किराड़ी के नीति विहार इलाके का है, जहां लाल मंदिर के नाम से फेमस मंदिर में चोरों ने अपना निशाना बनाया। मंदिर के पुजारी पंडित रतिकांत झा ने बताया कि वह जब सुबह करीब 6 बजे मंदिर के द्वार खोलने के लिए उठे तो उन्होंने देखा कि मंदिर का सामान बिखरा पड़ा है। जब उन्होंने मंदिर में देखा तो सारे कीमती सामान गायब थे। हनुमान जी की चांदी का गदा, चांदी के मुकुट, पीतल की लड्डू गोपाल की मूर्ति सब चोर ले उड़े। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद अमन विहार थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पुजारी के बयान के आधार पर जांच शुरू कर दी। अपना नाम बता दीजिए। पंडित रतिकांत झा। ये जो जगह है, जगह कौन सी है? ये लाल मंदिर है। बता रहे हैं जो लाल मंदिर नीति विहार जो बता रहे हैं चोरी हुई है। हाँ। कब की बात है और कैसे क्या हुआ? रात के मैं 4:30 बजे पौने चार बजे उठा था बाथरूम के बाद। अभी मंदिर 6 बजे खुलता है, तो 6 बजे खुलता है तो हम लोग अपना भाई चले गए फिर बाथरूम करके। उस समय कुछ नहीं हुआ था, उस समय मेरा मंदिर सब लगा हुआ था। फिर जाके मैं सो गया। फिर 5:45 बजे मैंने कहा जो भाई मंदिर अब उठ गया, मंदिर खोलने के लिए भांजा है उसको मैं बोला जो चलो मंदिर खोल लें। भांजा आया मंदिर खोलने के लिए। मेरा थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, ब्लड प्रेशर थोड़ा 180 करीब हो गया था, तो मेरा शरीर थोड़ा भारी लग रहा था। मैं भांजा को चलो मंदिर जाके खोल दो, गेट खोल दो, मंदिर खोल दो, आप पूजा उठते हैं मैं भी उठता हूँ, आप पानी थोड़ा गर्म लगा देना जो मैं नहा स्नान करूँगा। तब ये भांजा आया खोलने के लिए तो देखता है सब मंदिर खुला है, टूटा हुआ है। सब में से मैंने देखा बजरंगबली का चांदी का मुकुट था, 2.5 किलो का तांबे का गदा था, ये उठा के ले गया। फिर गोपाल जी मेरे कृष्ण कन्हैया थे वो ले गया, भोले शंकर का नाग देवता की था वो तांबे का वो ले गया, और उसके बाद घड़ी घंटा, घंटी, उसके बाद जो प्लेट है तांबा का, पीतल का, और घड़ी घंटा हुआ, घंट हुआ, ये थाली बर्तन सब जो है सब भगवान का लेगा। शालिग्राम एक छोटे से पीतल की बर्तन में रखते थे पूजा करके, उनको भी शालिग्राम को चोर ने फेंक दिया और वो उठा के ले गया। नगदी वगैरह भी लेके गया? नहीं, नगदी नहीं लिया, नगदी तो कोई दान पत्र है ही नहीं जो दान पेटी हो रहता जो मैं कहता हूँ ले गया है, ये तो मेरे से नहीं होगा। जो चीज़ जो है जो भी दान के ही हैं वो ले गया है। इससे पहले जो पूजा करने के लिए हम तो जानते नहीं हैं कौन चोर आता है कौन क्या आता है। इससे पहले पूजा करने के लिए आते तो एक दो बार घड़ी घंटा जो है, घंटी है, लोटा है, ये उठा उठा ले गया, तो मैं इस पर नहीं नजर ऐसे नहीं दिया चलो भाई ये इसमें की है अपना ले जा रहे हैं ले गए हैं चलो ले खरीद लेते हैं। मैं पुलिस कंप्लेंट नहीं किया। अब पुलिस का क्या कहना? मैं पुलिस कंप्लेंट किया हूँ, 100 नंबर पर फोन किया हूँ, सभी आए हैं, मैं भी थाना में FIR करवाया हूँ, FIR का मुझे कॉपी नहीं मिला है। उसका अरविंद SI अरविंद ने मेरे बयान लिया है और साइन करवा करके लिया है। SCP साहब भी आए थे। क्या आश्वासन क्या दिया गया है? वो कहा जो मुझे चिंता आप नहीं करो, हम लोग भी हैं,
पुलिस ने एसीपी से आपने कहा जो हम लोग हैं इसके लिए चिंता नहीं करें और बीट कंस्टेबल हैं उनको ऑर्डर दिए हैं जो है 12 घंटे में मुझे ये चाहिए रिपोर्ट, ये कह के मेरे आश्वासन करके गए हैं। फिलहाल पुजारी की माने तो पुलिस ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे, लेकिन इस मामले ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि दिल्ली में अभी भी बदमाशों का आतंक बरकरार है और वो भी तब जब दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू लगा हुआ है। ऐसे में जब किसी को भी बेवजह घर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध है, इस समय चोर बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दे रहे हैं। उस पर तुर्रा यह कि चोर भगवान के द्वार को भी नहीं छोड़ रहे हैं, लिहाजा देखना लाजमी होगा कि आखिर कब तक चोर पुलिस की गिरफ्त में होंगे।